हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। तो देखिए, आज मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए, मैंने रात में ही ये उड़द का दाल फूलने के लिए रख दी थी, और अभी मैंने इसे सिलौटे पर पीस लिया है। और दो चार ही काली मिर्च है, और फिर मैं इसमें हल्का नमक डालूँगी। हल्का ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। फिर इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो देखिए, मैं इसमें तेल मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। भैया, मेरा देखिए, यहाँ बड़ी बनाने के लिए मेरा दाल तैयार है, एकदम पेस्ट तैयार है। यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं डाला जाता है, सिर्फ आप इसमें मरीच डाल दीजिए, जीरा भून करके डाल दीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, ना हल्दी वल्दी भी कुछ नहीं डाला जाता है इसमें। अगर हल्दी भी डालते हो तो कलर इसका ख़राब होता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में। और अगर मिर्चा पीस कर डाल दिया जाता है तो, और अगर मिर्ची भी पीस के डाल देते हैं तो उससे भी स्वाद अच्छा नहीं आता है, स्वाद दूसरे टाइप का हो जाता है। तो हम ऐसा नहीं करते, हम सिर्फ काली मिर्च डाल देते हैं, खड़ा खड़ा ही डालते हैं, और इसका दही बड़ा बनता है। तो दही है, लेकिन दही बड़ा नहीं बना रहे हैं। बहुत लोग फरमाते हैं कि मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो एक आध दो डाला कीजिए। देखिए, तेल को ना पूरे एकदम कढ़ाई में नचा नचा करके एकदम सारे तेल को, देखिए पूरी कढ़ाई में तेल अभी आप देख रहे हैं। मैं इसमें इस बड़ी को डाल दूंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ बड़ी डाल दिए हैं। अब इसको मैं मीडियम आंच पर पकाऊंगी, मीडियम आंच नहीं, मैं तेज आंच पर ही पकाऊंगी इसको। ये रात भर फूल चुका है ना, तो ये अपने आप ऐसा हो जाता है। और हम दही बड़ा बनाने पर ना इसमें बेकिंग सोडा डालना पड़ता है, मीठा सोडा जो हम लोग खाते हैं उसको, तो अगर ठेका का बनाते हैं ना तो उसमें यूज करते हैं हम लोग। इसको अगर आप पानी में भी भिगो करके, अगर पानी है जैसे पानी गर्म है तो उसमें आप डाल दीजिए, और आधे घंटे के बाद भी अगर आप इसको खाते हो ना तो ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। मैं तो दही बड़ा उतना नहीं खाती हूँ, पानी में जो डाली रहती हूँ वही पानी गर गर कर मैं सारा खा जाती हूँ। कलर अच्छा नहीं आया है, कलर आने दीजिए। ये मैं आज ना दोपहर का नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए। एकदम रुई की तरह ये मुलायम होता है, खाने में बहुत मस्त लगता है। ये एकदम देखिए कुरकुरे टाइप का हो गया है, अब मैं इसको निकाल लूँगी, गैस बंद कर दूँगी। तो देखिए, ये मेरा उड़द का दाल का पकौड़ी तैयार है, एकदम चटपटा सा। आप कुछ इसमें डालें चाहे ना डालें, फिर ये बहुत चटपटा लगता है।
तो आप लोग भी अपने घर पर बनाइए, बना करके खा के कमेंट में हमको बताइए कि ये मेरा रेसिपी आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू।